उत्तराखंड में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष आज पूरे हो गए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी। सर, अगर बात करें तो आज एक साल पूरे हो गए हैं, दूसरा कार्यकाल है ये, किस तरीके से आप एक साल को देखते हैं? देखिए, जनता के हित में काम हुए हैं और उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर बढ़ा है। चार धाम उसकी तैयारियां चल रही हैं, आम लोग उसका लाभ लें और उसके लिए सरकार पूर्ण तरह से चुस्त दुरुस्त है, शासन प्रशासन काम कर रहा है। यही नहीं तो मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह प्रदेश के अंदर आज सर्वत्र विकास हुआ है, आम जन का हुआ है, सड़कों से लेकर के पानी के घर में पहुंचना, बिजली से लेकर इवन कि जो चार धाम सड़क है तो वहीं ट्रेन का भी जाना है। तो मोदी जी ने उत्तराखंड का बहुत सारा विकास किया है, उसको प्रदेश सरकार नीचे तक लेके गई है, धरातल पर लेके जा रही है। अगर बात करें तो आगे जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है और कई सारे वहाँ के जनप्रतिनिधि आज भी शिकायत करते हैं कि उनकी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, उनकी बात जो है प्रशासन तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाती है, किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? अब ये तो मुझे नहीं लगता। और देखिए, जो भी काम है बिना अधिकारी और प्रतिनिधि के नहीं होता है, दोनों ही मिलकर के आगे काम को बढ़ाते हैं। और जो भी काम हुआ केंद्र के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, मैंने कहा कि जितना विकास उत्तराखंड की ओर उन्होंने तीव्रता से किया है उसको प्रदेश सरकार ने नीचे तक पहुँचाने का काम किया है। और तब हुआ जबकि अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि भी दोनों मिलकर काम किए। एक सवाल और है, अगर बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी भी आज प्रदर्शन कर रही है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इस सरकार में लगातार पेपर की परीक्षाएं की जो है पेपर लीक हुए हैं, इन तमाम सारी मुद्दों को लेकर के आज वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात हो तो मैं कह सकता हूँ कि महंगाई पर रोक लगी है, विराम लगा है। और महंगाई जहाँ तक कह रहे तो पिछला यदि उस समय कांग्रेस काल भी देखें तो उनको भी ध्यान आना चाहिए। तो यदि मैं कहूँ कि एक तरफ महंगाई जहाँ तक बातचीत हो रही कि भी महंगाई, देखिए वही दूसरी तरफ यदि महंगाई पर रोक लगी है, विराम लगा है, तो वहीं तेजी से विकास के कार्य भी आम जन के हुए हैं। गरीब कल्याण योजना के तहत हर घर में राशन पहुँचाने का काम भारत सरकार ने, मोदी जी ने किया है। तो वहीं उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देने का काम हर घर में पहुंचा, गरीब के घर में पहुंचा है। स्वच्छता को लेकर शौचालय पहुंचे हैं और आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज गरीब भी करा सके, यह योजना पूरी तरह से नीचे तक गई है, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, हर घर में नल, नल में जल, पानी लोगों को तो कभी उम्मीद नहीं की होगी, कभी लोग पानी के लिए चिल्ला, आज पहुँच रहा, सीधे सीधे सरकार की योजना है कि हर घर को पानी देना है। तो ये बहुत सारी योजनाएं जो आज नीचे स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर लोग डिमांड करते थे, आज वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी उसका संज्ञान ले रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है, सबसे बड़ी परीक्षा होगी क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में सरकार तो बन गई, क्या इस बार 5 में से 5 लोकसभा सीट जीत पाएगी? निश्चित है 5 की 5 सीटें जीतेंगे, लेकिन भारी बहुमत से जीतेंगे, पिछली बार की अपेक्षा अधिकतम परसेंटेज भी वोटों का रहेगा। शुक्रिया से बातचीत करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत, जिनका कहना है कि इस बार 5 की 5 लोकसभा सीट फिर से जीतेंगे और जो मैंडेट रहेगा वो इतना ज्यादा रहेगा कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा मत प्रतिशत से चुनाव जीतेंगे। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।